you <laughs> कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्लॉग तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और बज रहा है ग्यारह तो खाना वाना बन चुका है और बर्तन नहीं धोया मैंने किचन भी साफ़ नहीं किया है कपड़े धुल रहे हैं कुछ धुल है चुके हैं कुछ धुलने के लिए रखे हैं रौनक छत पर खेल रहा है मम्मी तो खाना दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए ठीक है और जो ये मेरी छोटी वाली नज़र है वो वो साफ़ सफाई करने में लग गई है और फिर मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए क्योंकि मैंने किचन का काम इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी ग्यारह बज रहे हैं और फिर बारह बजे के बाद पूजा तो करते नहीं है इसलिए मैं सबसे पहले नहा लूँगी नहाने के बाद जो छोटे मोटे काम है वो मैं कर लूँगी तो इसलिए मैंने अपना रूम तो पहले ही क्लीन कर लिया है तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहा के पूजा करके उसके बाद शायद मैं आप लोगों से मिलती हूँ ठीक है तो अभी घर की जो हालत है वो मैंने तो आप लोगों को दिखाई दिया तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद सो गायज अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ नहाए हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है मेरे बाल बाल भी सूख गए हैं और मैं अभी रौनक को सुला रही हूँ और यहाँ पे नहाने के बाद अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया लड्डू भी नहीं आए हैं और दोपहर के ढाई बज रहे हैं और मैंने सोच रही थी कि आज मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मतलब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं कोई कस्टमर होगा दुकान पे इसलिए नहीं आ रहे हैं और मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ रौनक को सुला रही हूँ और कपड़े अभी तक नहीं धोए हैं बर्तन भी नहीं धोया अभी तक सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और रौनक में थोड़ा टाइम लग रहा है इसके वजह से हो तो यही सब चल रहा है और मुझे भी नींद आने लग गई है और मुझे उठ के वीडियो भी बनाना है और कपड़े भी धोने हैं और पता नहीं ये सब काम करते करते फिर टाइम हो जाएगा रौनक के उठने का तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा पता नहीं अब मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ जो भी करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करती ही रहूँगी तो चलिए चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर मैं कुछ कर रही हूँ तो जब मैं उठूँगी तो मैं फिर से देखती हूँ कि मुझे और क्या करना है कि क्या नहीं करना है वैसे मैं सोच रही थी वो सरस्वती पूजा आ रहा है तो उसका एक मेकअप लुक क्रिएट करूँ विद साड़ी और तो वही क्रिएट करने का मन था लेकिन अब पता नहीं मुझे टाइम मिल पाएगा कि नहीं तो देखते हैं जो भी होता है मगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक सरस्वती पूजा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ और मैंने सोच लिया है कि मुझे कैसे क्रिएट करना है थोड़ा बहुत सोचा है और देखते हैं वैसे तो कैमरे के आगे खड़े होने के बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ तो अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो देखते हैं कि मैं क्या क्रिएट करती हूँ और कैसा क्रिएट करती हूँ अपलू बाप, ना की पोषती है तू तो, ना की पोषती है mm. <laughs> mm. सुबह जब अभी शाम के बज गए हैं साढ़े चार रौक सौ के उठ गया है और मैंने जो कहा था मैं वीडियो शूट करूँगी जैसे मैंने वीडियो शूट करने के लिए अपना सेटअप बिठाया और रौनक उठ गया मुझे देखने लग गया तो मैंने सब कुछ बंद करके रख दिया तो अब शाम के साढ़े चार हैं रौनक उठ चुका है तो पहले रौनक को तैयार करूँगी और मैं सोच रही हूँ कि आज गोलगप्पे नहीं तो कचौड़ी बनाओ क्योंकि बहुत दिन से मेरा घर पर गोलगप्पे बनाने बना के खाने का मन कर रहा था मैंने टी में देखा था ना किसी का चैलेंज गोलगप्पा चैलेंज तो इसीलिए मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी बनाऊँ मैंने कभी बनाया नहीं है लेकिन मैं बना तो सकती हूँ ना मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमने कभी बनाया नहीं तो हम बना नहीं सकते मैंने रेसिपी देख ली है बस मुझे बनाना है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था ना तो फिर आज रौनक भी उठ चुका है और टाइम भी है थोड़ा तो मैं सोच रही बना दूँ और एक वो बनाऊँ मटर की कचौड़ी आ, वो भी जैसे कि अभी विंटर के टाइम में पूरा फ्रिज भरा हुआ है मटर मटर बहुत सारा है तो सोच रही थी मटर का कचौड़ी बनाओ क्योंकि मम्मी को ना ये कचौड़ी वचौड़ी बहुत पसंद आता है ना और मम्मी गोलगप्पा खाती ही नहीं है मतलब हम लोग को ज़्यादा पसंद है मम्मी उतना नहीं खाती गोलगप्पे मम्मी को पसंद नहीं है या फिर मम्मी से खाया नहीं जाता पता नहीं क्यों नहीं खाती है लेकिन मम्मी गोलगप्पे नहीं खाती तो इसलिए मैंने सोचा कि कचौड़ी बना दूंगी या फिर गोलगप्पे बना दूंगी तो गोलगप्पे मैं सोच रही हूँ साइड ही में रखूँ कचौड़ी बना देती हूँ और और किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है सबसे पहले किचन साफ करूँगी नहीं सबसे पहले तो रौनक को तैयार करना फिर किचन साफ़ करना है फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ कचौड़ी और रेसिपी मैं आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी और खा के मम्मी को कैसा लगा वो शेयर करूँगी फिर वीडियो एंड कर दूँगी वैसे पता नहीं मैं कब वीडियो एंड करूँगी बस यही करने वाली हूँ तो अभी फटाफट से मैं रौनक को तैयार करती हूँ और रौनक को पहले कुछ खिला देती हूँ और उसके बाद मैं आराम से अपना काम करूँगी ठीक है तो तो फिर मिलते हैं कुछ घंटों बाद <laughs> तो पता लगा रौनक को मैंने रेडी कर दिया तो वो रौनक गया भी, भी अपने पापा के पास अपने पापा के साथ खेल रहा है और मैंने पूरी किचन की सफ़ाई कर ली और उसके बाद देखा तो मैदा ही नहीं है तो मैदा लेने के लिए भेजा है उसके बाद हम अपना जो कचौड़ी बनाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे और शाम के बज रहे साढ़े पाँच नहीं पाँच चालीस हो रहा है तो अभी ये सब चल रहा है तो मैंने एक क्विक अपडेट आपको दे दिया है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ और अभी मैं अभी बस मैदा आने का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले से भी कुछ करके नहीं रख सकती क्योंकि मुझे शूट करना है और सूट करने के लिए बाबू गई है दुकान तो अभी वो जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं कोई कोई प्रिपरेशन भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो भी सब सूट होने वाला है और अकेले नहीं हो पाता है तो इसीलिए मैं बस अभी वेटिंग कर रही हूँ ठीक है सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया मैदा मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है छाना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी मैदा खराब हो जाता है तो उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं इसलिए छान के देखना ज़रूरी होता है कि वो साफ़ है कि नहीं ख़राब तो नहीं हुआ है तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से छान लिया है मुझे जितना चाहिए था मैंने अंदाजा लिया है और फिर मैंने इसके अंदर डाला बेकिंग सोडा जिसकी वजह से ये थोड़ा क्रिस्पी एंड फ्लपी बने और ये मैंने डाला है नमक उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ऑयल बस इतना ही चीज़ जो पूड़ी बनाने के लिए जो चीज़ हम डालते हैं बस वही डालेंगे बस बेकिंग सोडा थोड़ा एक्स्ट्रा है बेकिंग सोडा की जगह अजवाइन डालते हैं पूड़ी डालने पूड़ी बनाने में तो यहाँ पे मैंने तेल जो है थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि तेल के वजह से ही ये जो ज़्यादा क्रिस्पी एंड करंची बनने वाला है तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसकी उसी का आटा लगा लिया अच्छी तरह से और मैं सबसे पहले आटा लगा के साइड में रख दूँगी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मटर मटर को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और तीन चार मुट्ठी मटर लिया होगा उसके साथ मैंने लिया है अदरक अदरक के साथ मैंने लिया है यहाँ पे मिर्ची और इसको हमको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है हमको हल्का सा दर दरा पीसना है ताकि हमको पता चले कि हमने इसके अंदर मटर भरा है ना तो इसलिए इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे पीसने के बाद मैंने इसको साइड में रख दिया मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई इसमें हम लगाने वाले हैं तड़का तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया सरसों का तेल उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा और उसके साथ ही मैं डालूँगी इसके अंदर अजवाइन तो मैंने अब तक अजवाइन का छौका तो नहीं देखा है बट मैंने इसकी रेसिपी में देखा था कि अजवाइन भी डालते हैं तो अजवाइन मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है हींग तो बस ये है इसी में हम तड़का लगाने वाले हैं मटर को तो उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा इसको भुनने दूंगी हल्का सा ब्राउन होने दूँगी और मैंने इसको चला चला लिया है थोड़ा मिक्स हो जाए अच्छी तरह से तो इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से और इसके अंदर सॉफ्ट भी डालना था तो सॉफ्ट नहीं था मेरे पास तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मटर का पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर दिया है और देखिए मैंने दरदराई पीसा है और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया है और दो मिनट चलाने के बाद भी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर फिर ये है मिक्स मसाला इसमें धनिया हल्दी मिर्ची सब मिला हुआ है उसके अंदर मैंने डाला है इसके अंदर आमचूर का पाउडर जिससे थोड़ा खट्टा फ्लेवर आए और उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक तो बस यही सब इतने ही मसाले डलेंगे इसके अंदर और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया एकदम ड्राई ना हो जाए तब तक इसका जो सारा पानी है उसको एकदम ड्राई हो जाना चाहिए बस इतना हो गया मेरा मटर और ये है मैंने यहाँ पे एक बना के रख लिया है कचौड़ी और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया तो मैंने इसको थोड़ा हल्का सा कटोरी का सेप दिया मैं देखो और फिर उसके अंदर जो हमने फीलिंग बनाई थी उसको भर के और अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि वो फटे ना और इसके अंदर ऑयल ना भर जाए इसीलिए तो उसको हल्का हाथों से दबाने के बाद मैंने यहाँ पे स्लीप पे रख के फिर हल्का सा और प्रेस करना है ताकि थोड़ा पतला हो जाए ज़्यादा थिक ज़्यादा ज़्यादा मोटा ना रहे इसलिए थोड़ा मैंने इसको फ्लैट कर लिया है और ऐसी तरह से मैं सारे बना लूँगी और मैं आपको दूसरा बना के दिखा रही थी और यहाँ पे जो है मेरी छुट्टी वाली ननद वीडियो शूट कर रही है नहीं तो हो नहीं पाता ना और ट्राईपोर्ट अच्छा नहीं लगता लगाना और से भी टूट गया मेरा तो यहाँ पे मैंने भर लिया है फिर से एक और लगा के और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से उसके अंदर दबाते हुए भर लिया जितना आप भर आपकी मर्जी आप इसको कम भरें ज़्यादा भरें और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको मोटा बनाए या पतला बनाएँ आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आपको जैसा खाना हो वैसा आप बना सकते हैं वैसा शेप भी दे सकते हैं तो मैंने अच्छी तरह से फिलिंग भर के और फिर से उसको थोड़ा थोड़ा दबा लिया है ताकि कचौड़ी का शेप दे दिया है कचौड़ी के साइज़ का बना दिया है बस इतना करके और बस इसको मैंने रख दिया था उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल को गरम करके और उसके अंदर ये डाल दिया है कचौड़ी तो एकदम इसको लो पे लो फ्लेम पे ही पकाना है एंड तक तब तक पकना जाए और आपको इसके ऊपर तेल डालते हैं ना तो तेल डालने से बहुत अच्छे से फूलता है अगर आप एक आपने कचौड़ी डाला और फिर उसके ऊपर चम्मच से तेल डालिए तो देखिए कितना फूल रहा है एकदम फूल इतना फूला है कि वो फट गया है इसके अंदर जो हमने ऑयल डाला था उसकी वजह से ये ज़्यादा फूल रहा है तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला ऑयल डालने से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये फूल गया है और ये मेरा बन गया दो कचौड़ी मैंने एकदम लो मीडियम फ्लेम पे बहुत टाइम से इसको पकाया था और ये है मैंने रात के टाइम जो बनाया था मतलब थोड़ा सा रख दिया था क्योंकि ये आए नहीं थे तो थोड़ा सा रात को बनाया था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से बनी थी तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके ऐड कर दिया बहुत अच्छा लग रहा है अभी बिल्कुल डबल हो गया साइज़ में और अब मैं जा रही हूँ मम्मी को देने के लिए सबसे पहले खाने के लिए Thank you

हाँ ठीक है अभी आएगा मिट्टी देना है आपको अब इसको ना ले लेना फिर एक दो घंटे बाद रौनक के साथ खेलने के बाद और कचड़ी चड़ी खाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाने वाली हूँ खिचड़ी क्योंकि आज शनिवार है तो यहाँ पे जो दिन में खिचड़ी बनाया था मैंने उसमें पानी डाल दिया और उसके अंदर तीन चार आलू डाल दिया चोखा बनाने के लिए और कढ़ाई में मैं आलू और मटर को भूज रही क्योंकि खिचड़ी में आलू मटर डाल के बहुत अच्छा लगता है गोभी भी अच्छा लगता है लेकिन गोभी था नहीं तो इसलिए मैं आलू मटर को ही अच्छी तरह से भूज के और फिर इसके अंदर डालने वाली हूँ और मैंने यहाँ पे लिया है ये मूंग का दाल है और कच्चा चावल है उसको मैंने इक्वल क्वांटिटी में लेके अच्छी तरह से मिला के फिर धो लिया और उसको मैं डाल दूँ पानी के अंदर और फिर मैं ये जो मैंने फ्राई किया है सब्जी उसके अंदर मैं डाल दूँगी और मैं यहाँ पे मेरी ननद सूट कर रही थी आ, मैं भी कर रही थी जो आपको दिख नहीं रहा होगा पूरा तो इसलिए मैंने जो अच्छी तरह से सब्जी को फ्राई करके डालने से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है खिचड़ी में तो और मूंग दाल की खिचड़ी तो और ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं उसको अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसी में पानी डालूँगी मैं और पानी तो डाल ही दिया है मैंने पूरा भर के बनाने वाली हूँ क्योंकि हम लोग की फ़ैमिली बड़ी है थोड़ी और ये भी कम पड़ जाता है हम लोगों के लिए तो मुझे अभी रोटी भी बनाना पड़ेगा तो इतने से काम नहीं चलेगा तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हल्दी उसके अंदर और फिर मैं यहाँ पे डालूँगी नमक नमक डाल के और मैं इसको चढ़ा दूँगी और यहाँ पर खिचड़ी बन जाएगी फिर रात शनिवार को खिचड़ी खाना अच्छा होता है इसलिए तो यहाँ पे रोना कभी पानी मांगने आया था तो उसको पानी भर के दिया है पीने के लिए तो वहाँ पे वो खड़े होकर पी रहा है तो अब ये खुद पानी पी लेता है बस ये इसको प्यास लगती है तो कहीं से गिलास लेके आता है नहीं तो बोलेगा पा 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 मतलब पानी पूरा नहीं बोलेगा खाली पा बोलता है तो इसका मतलब है कि उसको पानी चाहिए तो उसको पानी उसने पी लिया और जैसे ही फ्रिज खोलो ना उसके सामने तो वो चाहता है फ्रिज के अंदर चढ़ जाऊँ मैं तो भी मैंने फ्रिज बंद कर दिया तो रोने लग गया था उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया कच्चा टमाटर तो कुछ इस तरीके से मैं खिचड़ी बनाती हूँ आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर और ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और कल है मेरे ननद का बर्थडे तो उसका जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है तो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर